देखो भाई, देख लियो तरीका, देश में कानून है आज। यू बहुत लोग ऑपरेट भी कर रहे हैं, पर पुलिस के कई अधिकारी बदतमीजी भी कर रहे हैं, बदतमीजी भी कर रहे हैं। फैमिली मेंबर को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। माँ पंचायत होगी जी, अभी जाके अंदर बात कर रहे हैं, माँ पंचायत होगी। हमने परमिशन के लिए लेटर दे रखा है, हमने परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया था, कल शाम को ही कर दिया था, सुबह दिए के आए थे, बड़ा शाम को आना। पुलिस सिर्फ गुमराह कर रही है हमारे लोगों को और जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। जो जिसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, अपराधी है, उसको तो आप खुला छोड़ रहे हो, उसको तो कुछ कर नहीं रहे। इतनी हिम्मत नहीं उनकी, वो कानून बदलवाने की बात करता है, पोक्सो एक्ट बदलवाने की बात करता है, सरकार को झुकाने की बात करता है, उसको तो आप कुछ नहीं कर रहे। यहाँ जो हाथ जोड़ के आपके आगे सामने खड़े उनके साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आपने कल कहा था कि कई सारे लोग डिटेन भी हुए, हमारे 2,500 लोग डिटेन हो चुके हैं और बहुत सारे हमारे कोचिज हैं, हमारे जो खिलाड़ी भी हैं, जो हमारे समर्थक हैं, जो किसान नेता भी हैं, खा पंचायत है, उनके घर पे पुलिस बैठी है। चाहे वो हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, यूपी की बात तो हो, राजस्थान की बात हो, हर जगह तानाशाही हो रही है यहाँ पे। मगर पुलिस वालों को सारी बातचीत कर दी, तय हुआ है उसके बाद? हमारे से तो कोई बातचीत नहीं हुई जी। ये पुलिस का व्यवहार आप देख रहे थे, आप कैमरे में भी कैद कर रहे थे, हमें तो यहाँ बैठने की परमिशन नहीं दी। और जो सरकार झुकाने की बात कर रहा है, वो तो आराम से लेट रहा है, वो तो दाड़ रहा है कि मैं ये कर दूंगा सरकार के साथ, मैं वो कर दूंगा, कानून बदलवा दूंगा। जिन बच्चियों को कानून बनाया था, बच्चियों को न्याय मिल जाएगा पोक्सो एक्ट का, उसको बदलवाने की बात कर रहे हो। सर कल आप मीटिंग में गए थे, ठीक है, उसके बाद भी आपको क्या लग रहा है, क्यों जो है सुनवाई नहीं हो रही, क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा है बृजभूषण शरण को? ये आप सरकार से बात करिए कि क्या ऐसी मजबूरी है कि उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर आम नागरिक होता तो यही असर होता है।